ये रही सत्यम की न्यू थाल जो हम लेकर के आए हैं। रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। आवाज दे तो सत्यम ने यहाँ पर। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और गाय अब देखो यहाँ पर सूर्य भगवान भी निकला है। सूर्य भगवान को नमस्कार। और मम्मी जी देखो सुबह सुबह क्या कर रही हैं। मम्मी जी सुबह सुबह कंडे लगा रही हैं बिटिया के अंदर, क्योंकि ये जो है कंडे सूख चुके हैं, ये गीले थे, और इधर वाले जो कंडे हैं ये गीले हैं। और कंडे यहाँ पर पास में जो है अपना फ्रिज का यहाँ पर कवर भी यहाँ पर निकाल दिया बाहर। क्या मैं मम्मी जी बोल रही हैं कि ये जो फट्टे हैं कबाड़े वाले को दे देना, रद्दी वाले को। और अपना सोफा भी निकाल दिया गया। हमारा ये सोफा गर गया पूरा नीचे से, इसके जो पैर है ना ख़राब हो चुके हैं, तो इसको चेंज कर। सत्यम सुबह सुबह बोला कि पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। फिर क्या हुआ बाद में, फिर मैंने कहा तू स्कूल चला जा, क्योंकि आज सत्यम को जो है मस्त वाला सरप्राइज़ देने वाले हैं। क्योंकि सत्यम के लिए मैं कुछ लेकर के आया हूँ, वो आप लोग दोस्तों ब्लॉग में देखना। बहुत ही सोम के लिए ब्रेड आ गया है, ब्रेड खाएगा सोम। ब्रेड इतना बड़ा ब्रेड। सोम का हो गया दरिया का नाश्ता, अब सोम क्या करेगा, ब्रेड खाएगा। मत खाना सोम। सत्यम तो गया अभी स्कूल। बासन मत फोरे, इसमें रोटी रखी जाएगी। देख रोटी बननी है अभी गर्मा गर्म, रोटी खाएगा रोटी। मैं आ गया हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि आज मैं हो गया काफ़ी ज़्यादा लेट, क्योंकि कल तो गाय मैं जल्दी आ गया था। आज देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ खाली पड़ा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सरसाइज कर लेता हूँ, उसके बाद गाय चलते हैं घर। फाइनली मैं अब घर पर जा रहा हूँ। काफ़ी देर हो गई, कम से एक से डेढ़ घंटा हो गया, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर आ गए थे, वो भी यहाँ पर जिम करने लग गए। और देखो गाइस कितने सारे यहाँ पर देखो अड्डे हो रहे हैं। देखियो अभी खेतों के अंदर जो है पानी लग चुका है। अब ये पानी लगने के बाद ये खेत जो है इसके अंदर उठाएगी, उठाने के बाद इसके अंदर जो है फसल करी जाएगी, गेहूँ की, गेहूँ करे जाएँ जो भी करे जाएँ, क्योंकि लाई का टाइम तो निकल चुका है। तो अभी घर पर आ गए, तो गाय में नहा लेता हूँ क्योंकि अभी लाट आ रही है। और देखो सुबह क्या कर रहा है, हमारा क्या खा रहे हो। तो अभी जो है सब्जी बन रही है यहाँ पर, किसकी है, आलू और शिमला मिर्ची यहाँ पर सब्जी बना रही। नीतू जी सोम क्या खा रहा है, और गोपाल यहाँ पर मस्त तरीके से लेटा हुआ, क्या हो गया। शिमला मिर्च काफ़ी तेज तेज यहाँ पर चटक रही है कढ़ाई के अंदर, देख सकते हैं। इसके ऊपर जो हमने यहाँ पर क्या वो रख दिया है, थाली रख दी है, दिखाना गाय देख तो फिर। ओ भाई गाय कैसे यहाँ पर देखो गाय पानी में गिरा दिया, देखो पानी में इसने क्या गिरा दिया, प्लास्टिक वाला। देखो तुरंत आ गया भीतर से लेके, बहुत जल्दी गेट खुल जाए तुरंत आया था। मैं नहाने को जा रहा था, यहाँ पर देखो कितने सारे बच्चे आ चुके हैं। ओ भाई देखो छोटा सा बच्चा आ गया है, इधर का इधर दिखा। और कहाँ मम्मी और कहाँ गए, दो कहाँ पाए, और ये दूध भी लेके आया। देखो बच्चे फाते में, और हमारा सोम देख रहा है, सोम कैसे देख रहा है, दूध पी ले तो ये दूध पियाना। देखो भाई दूध पी रहा, देखो देखो बच्चे दूध पिला रहे हैं इसको। ओ डर रहा है, मम्मी ने जो है बच्चा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया। सोम क्यों डर रहा है, देख बच्चा है छोटा सा बच्चा, देखिए पी लेते हाँ दूध पी लेते, दूध पीना सीख गया बच्चों, अच्छा लग रहा है। देखो ये लल्ली कितनी खुश हो रही है, बच्चा लेकर आई है नहाने के लिए, क्योंकि सत्यम तो है नहीं, सत्यम होता तो और भी अच्छा लगता। सत्यम तो गाय उस दिन डर के भाग गया एकदम, उस दिन खिलाए, अब सोम देख रहा है। गाय देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेड को डाल डाल के कढ़ाई में खाया जा रहा है। गोपाल तो अपना यहाँ पर क्या लगा रहा है, बटर, वो बटर लगा के भाई इनका अलग ही टेस्ट। नहा के मस्त तरीके से रेडी हो गए, क्योंकि अभी जो है सुबह के 11 बज रहे हैं, और मम्मी जी का यहाँ पर नाश्ता चल रहा है ब्रेड का और दूध का। क्योंकि गाइस सभी ने ब्रेड का, दूध का, बिस्कुट का, सब ने नाश्ता कर लिया। दरिया का मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, क्योंकि गाइस सुबह से मुझे भूखने लगती है। ओ भाई आज गर्म है, हटा फिर, उधर आ जा भाई। सोम जो बहुत ही ज़्यादा उद्यमी है, फाते हैं खाना। तो खाने में आलू टमाटर सब्जी, साथ में है शिमला मिर्ची जो सुबह बनाई थी नीतू जी ने, और सोम आ गए। आ जा सोम, आ जा तो खाना खिलाऊं तुझे, क्योंकि इसके जूते उतार देते हैं। सोम जो सुबह सुबह जूते पहनता है और जैकेट पहनता है, क्योंकि ठंड का मौसम। क्यों रो रहा है, उतर वाले मम्मी पे। आ जा, आ गया, अब खिलाएंगे गाय खाना। चल आलू खिलाता हूँ तुझे, पहले आलू छोटा सा ले। अभी जो है यहाँ पर साफ सफाई चल रही है। ओए शैलेश फतम कहाँ, फत्यम तू ना को आज। गाय देखो ये शैलेश पढ़ने नहीं गया, फत्यम हमारा पढ़ने गया। मम्मी जी देखो सफाई करनी, अभी कौन में जो जितनी भी गंदगी है सफा हो जाएगी। और लड़की हो रहा है, देखिए अपन फतम कहाँ लंच हो गया उसे देख। अभी जो गोपाल है क्या मंगाया था खाना फ्लिपकार्ट से, तो गाय अभी गोपाल ने ये फ्लिपकार्ट से क्या ऑर्डर किया है मुझे तो पता नहीं है। अभी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इसके अंदर देखेंगे क्या निकला है, क्या करना है। पोस्ट दे जाए गाय, ये जो है हमारा घर, नीतू जी बोल रही है कि इस पे कली करवा देंगे।
तो वैसे पापा जी मना कर रहे थे कि अभी नहीं पुत पाएंगे, पूरा घर इकट्ठा ही पुतेगा, तो बताओ क्या बोलना है? 2 किलो का लगी, पापा जी, पापा जी तो मना कर रहे थे, तो पापा नहीं कर रहे। तो गाइस इसकी अनबॉक्सिंग करना, क्या करेगा इसमें देखते हैं। तो गाइस देखते हैं इसके अंदर क्या अनबॉक्सिंग होगी। गोपाल इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं फ्लिपकार्ट। क्या ऑर्डर किया गोपाल? गाजर का हलवा ऑनलाइन में मिलता है? ओ भाई साहब, तो आप गाजर का हलवा भी ऑनलाइन कर सकते हैं। गोपाल ने ऑनलाइन किया गाजर का हलवा, बड़े खुश हो। ओ गाइस इसके अंदर क्या निकला है दिखाना। गाइस देखते हैं इसके अंदर क्या निकला अभी। ये क्या है? गाइस गोपाल ने यहाँ पर ये फेस वॉश ऑर्डर किया। देखो गोपाल ने यहाँ पर ये क्या ऑर्डर किया, आप लोग देख सकते हैं। अभी जो फ्लिपकार्ट से हमने मंगाया है, तो यहाँ पर जो सिंपल रिफ्रेशिंग फेसियर फेस वॉश। गाइस इसके अंदर एक पैक मंगाया, कितने निकले गोपाल? ये 2 पैक निकले यहाँ पर। गोपाल है अब फेस वॉश से मौज होगा। यहाँ पर न्यू फेस वॉश यहाँ पर आ चुके हैं। देखो जेली मालूम पड़ रही है, फेस वॉश नहीं है ये। गाय फेस वॉश नहीं है, मुझे जेली लग रही है, ये जेली भेजी है। फेस वॉश तो ऐसा झाग बनते हैं। जैसे पहले अभी मैं जा रहा था बाजार को, तो जैसे ही हम बाजार को जा रहे थे, रास्ते में हम प्लॉट पर रुके, तो गाय देख सकते हैं प्लॉट पर जो ये ईंटें हैं इस रद्द देगी या वाली, देखो ईंटें यहाँ पर गिरा दी हैं। तो गोपाल उसे रखने गया है। ये पता नहीं बच्चे खेलते हैं तो बच्चे ईंटें फोड़ भी देते हैं, गिरा भी देते हैं। रख दो डाके पर ईंटें, जो ऊपर वाली रद्द देगी, ईंटें खफा दी हैं बच्चों ने। तो इधर पे मैं गोपाल को रखवा रहा हूँ, इधर उल्ली साइड में फेंक दे। और देखो इधर भी यहाँ पर ईंटें, ये भी फोड़ दी हैं बच्चों ने। ये क्योंकि ये ऊपर से हमने DPC नहीं डलवाई थी, इस वजह से उछल नहीं है। अगर हम DPC डलवा देते तो ये ऊपर वाले जो रद्दे हैं ये नहीं सुनते। आगे तो DPC भी है और पीछे भी DPC डलवा दिए। DPC से ये होता है कि ईंट के जो ऊपर गिरते मतलब गिरते नहीं है, चिपक जाती है। फिर आते हैं गोलगप्पे बाजार में, आए थे तो गोपाल बोला गोलगप्पे खा लें मस्त तरीके। फिर रोना भी आ गया हमारे पास। क्या गोलगप्पे का बहुत ही बड़ा फैन हूँ मैं, और गोपाल भी गोलगप्पे बहुत खाता है। जब कि तो हमने पढ़ाई खा ली है, और खा पे हो तो और खिला दे भाई। गप्पे अभी आ गए हैं क्योंकि हम गए थे काम से, अपना फ्रिज जाना ऊपर वाला उसका कवर लेने के लिए। कवर तो मिला नहीं, कवर नहीं मिला, वहाँ नहीं मिला, पैकिंग करने वाला भी नहीं मिला, और जो खाली खोल होता वो भी नहीं मिला। फट्टा नीतू जी फोन कर किया था, फट्टा भी नहीं मिला। कवर लेके आएंगे बाजार में से। तो गाय सत्यम भी आ गया स्कूल से। सत्यम आ गए तुम, पढ़ के आए? नहीं सत्यम बोतल से। हम सत्यम के लिए एक चीज लेकर के आए, और सत्यम को दोस्तों भी सरप्राइज करने वाले हैं। शिवम तो हंस रहा है। सत्यम तुम्हारे लिए चीज दिखाएं, सही बताओ। तो ये रही सत्यम की, यहाँ पर देख सकते हैं न्यू थार। गाइस ये रही सत्यम की न्यू थार। सत्यम देखो ये है आप। तो गाइस ये रही सत्यम की न्यू थार जो हम लेकर के आए। पन्नी हमने इसकी अटक अलग डाल दी है। और गाय थार का नंबर देख सकते हैं, दिल्ली नंबर है 24,7,000। थार का नंबर है दिल्ली 24,7,000। थार है सत्यम की थार, वो चाबी पे चलने इसमें बोला हुआ चाबी वाला, रबड़ लगी है। आवाज भी कर दिया गाय। देखो सत्यम ये रही सत्यम की न्यू वाली। ओ पीछे टूट गई। तो हम इस थार को लेकर गए न्यू वाली थार। ये एफ में एक फीन हो गया गाय, पोपट हो गया हमारा। ये जो है यहाँ पर खराब निकल गया आई, इसके चूबा है मुझे, इसके चूबा निकल गए साठ से। ये चूबा लगाने पड़ेंगे, पोपट हो गया। जैसे हम थार को लेकर के आए, इसके यहाँ पर अंदर से जो चूबे निकल गए साठ से, चार साठ से जो इसके चूबे यहाँ पर निकले, मैंने देखा नहीं जब हम लेकर के। अभी जस्ट ही हमने इसे घरे देखा है, तो इसके चूबा आए। देखा चल लिया, चल तो गाय चल तो रही है वैसे, आराम से चलाना ठीक है, टूट ना जाए हिसाब से। देखो नीतू जी क्या कर रही है, फोम के कपड़े निकाल दिए। देखो जितने भी यहाँ पर कपड़े थे सभी कपड़े अलमारी के लगा दिए, कुछ कपड़े यहाँ पर नीचे हैं क्योंकि बच्चे के जो कपड़े निकाले जा रहे हैं। सत्यम क्या कर रहा है, टोपी लगा दी, टोपी लगा, ये सत्यम की टोपी है गाई बचपन। ओए दो मुंह मत दो, मुंह फोड़ दो। पूरे दिन इसको मारता ही रहता है, जब भी आएगा स्कूल से कहीं भी खिलाता नहीं है, कभी चांद फोड़ देगा, रात में इसके मार दी। अभी 6 मैं तुरंत ही सो के उठाऊँ अभी जस्टी, क्योंकि भाई मुझे नींद आई क्योंकि शरीर में हल्का फुल्का दर्द हो रहा था। भाई सत्यम उठे हमारे साथ, सोम तो आज मजे से खेल रहा है। सोम को तो कोई टेंशन नहीं, आज सोम तो जीना पकड़ गई, वो तो बड़ी मुश्किल से पकड़े हैं, ऊपर वाली सीढ़ी से थोड़ा ही कम रह गया। और सत्यम भी उठ गए सो के। सत्यम क्या है, कैफे नाराज है? जैसे मैं घर पर आया काम करने के बाद, तो सत्यम बोला पापा लल्ला मार रहा है। तुझे लल्ला ने मारा? लल्ला लल्ला मारते हो तू सत्यम को? फोन तू सत्यम को मारता है? देखो भाई मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा है सत्यम। काफ़ी देर से रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, पापा मुझे बाजार ले चलो, बाजार ले चलो। क्या लेके आओ बाजार से बताओ? पटक्का। पटक्का सत्यम बोला, पटक्का लेके आऊँगा दीपावली के लिए।
तो चलेंगे थोड़ी देर में, चार पाँच चाचा ना लेते, उसके बाद चलेंगे। देखिए फोम बैंड लेके आ रहा है, मारेगा देख। ओ गाइस देखो अभी सस्ते हमने क्या करी, शोम को जो है चोट लग गई यहाँ पर मोड़ पर, उसकी मम्मी जी यहाँ पर बम लगा दी। किसी चोट लग गई, ओ गाइस घुंघरा पड़ गया। देखो तुम कहाँ थी, तुम कहाँ थी, बैठे थे। शोम जो है कम से कम दो से तीन बार गिर जाता है पूरे दिन में, बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, मार गए रहे। तो गाइस ये वाला टीम लगा दिया, अभी जिससे आराम मिल जाएगा। सुपर मॉम ये बहुत ही अच्छा टीम है, जिससे कि यहाँ पे चोट लगी है माथे पर, यहाँ पर इससे बैठ जाएंगे, जाने दो बच्चा सही हो जाएगा, कोई नहीं बच्चों के लिए फिर भगवान मालिक है तो सही कर देंगे, पूरा दिन गिरता रहता है एक दिन। अभी यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी बननी है चूल्हे पे, तो मम्मी जो है पानी की रोटी बना रही है, और गाइस अभी बनाया एकदम साग, तो साग और मेथी का साग बनाया मम्मी जी ने, नीतू जी उधर रोटी कर रही है और मम्मी यहाँ पर सेक रही है, क्योंकि गाइस चूल्हे की रोटी बिल्कुल शुद्ध होती है। अभी जो शहर में क्या होता है, गैस पर रोटी बनने से क्या होता है, गैस में पेट में दिक्कत होती है, अफरा हो जाता है, और चूल्हे की रोटी खाने से क्या होता है, वो तो गाइस गैस की हम भी खाते हैं, मगर ये है कि ज़्यादातर देहात के अंदर, गांव के अंदर जो सब लोग चूल्हे पे ही खाते हैं, बहुत ही कम है। वैसे गैस तो सिलेंडर हो गए, फिर भी हम चूल्हे पे बनवाते हैं कंडा ये हमारे, काफ़ी अच्छा लगता है। गाइस देखो रोटी एकदम गर्मा गर्म सिक रही है मस्त तरीके से, और फो हमारा एक रोटी खा रहा है, देखो पूरी एक रोटी, देखो एक रोटी मुँह में खा रहा है, ये केदर से उठा के गाइस एक रोटी डाले गया पूरी, पता नहीं किधर से ले गया, और सत्यम भी आ गया गाइस। चुका है खाने बनाया साग, मेथी और पालक का साग है, ये रही आलू टमाटर की सब्जी सुबह बनाई थी, और ये रही पानी की रोटी जो छोटे वाले बाबू पकड़ के लाया, बाबा का उठाया, वो उठा वो उठा ओ गो रेख में रेख में डाल। यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप सभी को हमारा व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना।